हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। आज हम बात करेंगे स्विगी। मेरी अभी हाल फिलहाल में एक स्विगी बॉय से बात हुई थी और मैंने इससे पहले एक वीडियो भी स्विगी के ऊपर बना के डाली थी जिसमें 800 से 1200 रुपये रोज़ाना कमा सकते हो। तो उस डिलीवरी बॉय की बात सुन के मेरे को बड़ी हैरत की बात लगी कि एक तरफ तो ये कंपनियां कमाई का साधन देती हैं और दूसरी तरफ यही कंपनियां उन्हीं लोगों को सताती भी हैं जो लोग इनके साथ काम करते हैं। बड़ा दुख हुआ उसकी बात सुनकर कि ऐसा भी कुछ इसमें होता है। तो दोस्तों, स्विगी ज्वाइन करने से पहले मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। अगर आप स्विगी में ज्वाइन होना चाहते हो तो ये आपका डिसीज़न है और इसमें इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। जिस तरीके से मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बहुत कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक तो वो मेहनत कर रहा है इंसान, उसके बाद उसके मेहनताने को भी कंपनी काट लेती है किसी ना किसी तरीके से, तो ये तो बहुत दुख वाली बात है। तो दोस्तों, जैसे स्विगी में लोग काम कर रहे हैं उनका कहना है कि जैसे हमें एक ऑर्डर के 30 रुपये मिलते हैं और पहले 5 किलोमीटर तक 4 रुपये किलोमीटर, उसके बाद 6 रुपये किलोमीटर और कंपनी का कमिटमेंट है 10 से 12 किलोमीटर तक का आपको ऑर्डर करना पड़ सकता है। तो उसी तरीके से कोई अगर लंबी दूरी का ऑर्डर है तो 100-120 रुपये तक उसको मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑर्डर नज़दीक के होते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ऑल ओवर एवरेज 30 रुपये तक की आती है उनकी। तो 30 रुपये की एवरेज आती है जिसके अंदर जो डिलीवरी बॉय है उसकी गाड़ी, मतलब बाइक का पेट्रोल, बाइक की मेंटेनेंस और बाइक का अगर कुछ खर्चा आ जाता है जैसे टूट फूट हो जाती है तो वो भी उसी का ही है। और इसके साथ साथ गाड़ी का इंश्योरेंस अगर ड्यू है तो वो भी उसे ही कराना है, पोल्यूशन है वो भी उसे ही कराना है। केवल कंपनी 30 रुपये आपको एक कमीशन वैल्यू देगी जो आप खाना कस्टमर तक पहुंचाओगे और जहां से होटल से आपको खाना लेना है वो कस्टमर तक पहुंचाना है, इस मीडिएशन का आपको 30 रुपये कंपनी बेनिफिट देगी। लेकिन अगर इसी में आपसे 2 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं या 1 कैंसिल हो जाता है या ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो 40 रुपये आपकी बनी हुई पेमेंट में से काट भी लेगी। और इसमें उसने मेरे को बताया कि इसमें जैसे आप एक ऑर्डर बुक लेके जा रहे हो और ऑर्डर के पूरा करने वाले हो, तुरंत दूसरा ऑर्डर आ जाएगा। अगर तुरंत दूसरा ऑर्डर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में चला गया तो उसमें भी आपके 40 रुपये कटेंगे। अब बाइक चला रहे हैं, आगे से कोई आ गया या आप रोड पे हैं, ट्रैफिक वाला खड़ा है, जिस कारण आप ड्यूटी इनकी नहीं एक्सेप्ट कर पाए तो भी आपके पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि रोड पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इतना तक कहना है कि कई जगह जीपीएस काम नहीं करता है, तो जीपीएस ना काम करने के कारण कस्टमर को ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है और वो ढूंढने में टाइम लग जाता है तो उसमें ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है और पेनल्टी भी लग जाती है। तो दोस्तों, इसमें तो यही है कि अगर आपने 500 रुपये कमाए और उसमें से 2 या 3 ऑर्डर आपके ख़राब चले गए तो 180 के लगभग ये कंपनी काट देगी। तो ऐसा सौदा तो बड़ा ख़तरनाक सौदा है, बड़ा लॉस वाला सौदा है। तो उसने ये भी बताया कि इसमें जैसे हम बाइक चला रहे हैं और तुरंत वज्र बज गया तो वो हमें एक्सेप्ट करना है, अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो भी कैंसिलेशन में जाना है, हमारे 40 रुपये कटेंगे। और सामने ट्रैफिक वाला खड़ा है या कोई जाम लगा हुआ है जिसमें नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो उस केस में भी एक्सेप्ट करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी कंपनी के नियम को फॉलो करना है, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम पैसे काटने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने तो एक इंसेंटिव्स दो
एक धोखा दे रखा है। धोखा इन द सेंस कि आप को हम इंसेंटिव देंगे, जैसे इनके दो प्रोविज़न होते हैं, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। अगर आप जिस समय लॉगिन हो गए तो उस समय में आपका एक भी मिनट यानी कि एक सेकंड भी आपका डिवाइस बंद नहीं होना चाहिए, एक सेकंड भी। इवन आपका डाटा भी बंद नहीं होना चाहिए। आपका डाटा अगर बंद हो गया तो उस केस में भी आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर रखी है, एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार कर रखा है जिसमें कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय फंस सकता है। कैसे? या तो उसका डाटा किसी ना कारण बंद हो जाए, कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते, डाटा काम नहीं करता, और कहीं कहीं ऐसा भी प्रोविज़न आ जाता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जाम लगा हुआ है, आगे ट्रैफिक वाला है, पुलिस वाला खड़ा है, तो नहीं कर सकते। और उसी दौरान कस्टमर की कॉल आ जाती है और कॉल भी आपको रिसीव करनी है, और ये सारे काम आप एक ही बार में नहीं कर पाओगे, या करोगे तो बहुत रिस्क है। जैसे हम रोड पे चलते हैं बाइक लेके, वाहन लेके, तो कितना रिस्क है। कस्टमर का फ़ोन आता है, फ़ोन भी आपको अटेंड करना है, और फ़ोन अटेंड करना है तो चलती बाइक पे तो फ़ोन अटेंड होगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको रोकनी पड़ेगी, और रोकने के लिए आपको जगह भी चाहिए, तो जगह लेने के लिए आपको साइड में कहीं ना कहीं बाइक लगानी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण ऑर्डर में डिले हो सकता है, डिलीवरी में डिले हो सकता है, तो वो आपकी रेटिंग ख़राब कर देगा कस्टमर, और जहाँ आपकी रेटिंग ख़राब करेगा तो आपकी कंप्लेंट भी लॉन्च करेगा, जिसके कारण आपका इंसेंटिव और पेनल्टी दोनों ही खतरे में आ जाएगी। पेनल्टी कंपनी की तरफ से लगेगी और इंसेंटिव काट लिया जाएगा, यानी कि दिया भी नहीं जाएगा। ये है स्विगी का फॉर्मेट। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, इनका लगभग यही एक फॉर्मेट है कि किसी तरीके से लोगों को फंसाओ, बाइकें दिलवाओ, और बाइकें जैसे ले लेंगे तो अगर जिनके पास खुद की अपनी बाइक है तो वो तो कुछ दिन इसमें करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने फाइनेंस में अगर बाइकें ले ली तो उनके साथ तो बड़ी परेशानी वाला सौदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा यही सजेस्ट है कि अगर आपके पास बाइक है तो इसको ट्राई करके देख सकते हो, अन्यथा आप इसमें ज़्यादा पैसे मत लगाना, या किसी की लीज़ पर बाइक लेकर इनके साथ काम करना। जहाँ तक मैंने उस डिलीवरी बॉय से बात की थी, मेरे को तो यहीं तक एक निर्णय निकला कि पहले ये लोगों को फंसाते हैं, और फंसाने के बाद उनकी एकदम पागल बनाने वाला काम हो जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब चारों तरफ से एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार कर दिया गया है कि बंदा निकल ही ना सके, डिलीवरी बॉय, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और इवन इसमें सारे चार्जेस डिलीवरी बॉय के हैं, पेट्रोल का, बाइक का, और जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा डिलीवरी बॉय को बियर करना पड़ेगा। कंपनी का तो कुछ भी नहीं है, कंपनी का तो फोकट में काम करने वाले मिल रहे हैं। एक तरीके से माल कहीं से लेना है, देना किसी को है, और बीच का कमीशन कुछ पैसे देने हैं किसी को, और उसमें काट भी लेने हैं, तो ये कहाँ का कहाँ न्याय है। तो दोस्तों, इसमें यही एक निचोड़ निकल के आता है कि ये फॉर्मेट ज़्यादा लंबे टाइम का नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि ओला उबर में भी एक ऐसा फॉर्मेट आया था, लोगों ने गाड़ियाँ लगाई, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की गाड़ियाँ लगाई, तो उसके बाद उनका भी फॉर्मेट इसी तरीके से आया, इंसेंटिव देते थे, इंसेंटिव के लालच में लोगों ने गाड़ियाँ उसमें लगा दी कि इतने किराए पे इतना इंसेंटिव, इतनी ड्यूटी पे इतना इंसेंटिव। इसी तरीके से ये स्विगी भी वाले करते हैं कि इतने ऑर्डर किए तो इतना इंसेंटिव, इतने ऑर्डर किए तो इतना इंसेंटिव्स, तो एवरेज मिला के 30 रुपये एक ऑर्डर के मिलते हैं। अगर कोई ना कोई पंगा हो गया तो वो आपका इंसेंटिव तो जीरो है, कोई हफ्ते की पेमेंट नहीं मिलेगी। इसमें वीकली पेमेंट करते हैं, और वीकली पेमेंट में कोई भी आपका कभी तो नुकसान हो सकता है इसमें कि ऑर्डर नहा कैंसिल हो गया है, या डिलीवरी में देरी हो गई है, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर है, दिल्ली हो या NCR हो या मेट्रोपोलिस मेट्रो जहाँ पे चलती हैं वो वाले शहर हो,
कहीं भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि रश इतना रहता है, ज़रूरी नहीं कि आप ऑन टाइम पहुंच सको। तो यही मैंने इसमें देखा है कि दोस्तों अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसमें जान माल की भी हानि हो सकती है। आप बाइक चला रहे हो, अचानक फ़ोन आ गया कस्टमर का, और कंडीशन ये है कि आपको फ़ोन पिक ही करना है, और आपने फ़ोन पिक किया और कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो गई, तो कंपनी इसका बियर नहीं करेगी, सारा आपको बियर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जाके इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर खड़ा हो जाता है आपकी जान के लिए, क्योंकि बाइक के टायर घिसेंगे, बाइक अगर एक्सीडेंटल हो जाती है वो भी आपको पे करना है, वो भी आपको बियर करना है, इंश्योरेंस के थ्रू करना है या खुद के थ्रू करना है, जैसे भी कंडीशन बनती है तो आपको खुद ही लेना है, कंपनी का कोई रोल नहीं आता है इसमें। तो मेरा यही मानना है कि दोस्तों इसमें अगर आपको काम करना है तो अपना पैसा ज़्यादा ना लगाएं। जिसके पास बाइक है वो अपना इसमें चांस मार के देख सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो दोस्त यार की लीजिंग पे लेके या किराए पे लेके चला के देख सकता है इसमें। अगर मेरी बात का बुरा लग रहा हो या जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं और भाई मना कर रहा है, तो वो लोग इसमें अपना लीजिंग पे या किसी दोस्त यार की किराए पे बाइक लेके इसमें अटैच करके कुछ दिन चला सकते हैं कि हाँ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरी लाइव बात हुई थी उस बंदे से, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, उसने मना कर दिया था कि सर मेरी वीडियो मत बनाइए। तो मैंने उससे बस इतना ही ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से ये काम करवाते हैं, तो उसकी बातों पर बड़ा दर्द लगा, मुझे तकलीफ़ लगी कि कहीं ना कहीं बहुत बुरा हो रहा है। शुरू में तो पता नहीं होता है, चले जाते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो बड़ी दर्दनाक प्रॉब्लम सामने आती हैं। एक होता है कि आपको काम करने में कोई परेशानी आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन इसमें परेशानी नहीं आ रही, इसमें एक प्रेशराइज माइंड पर अटैक किया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पैसे कटेंगे। तो पैसे कटने के चक्कर में बंदा रिस्क लेता है कि किसी तरीके बाइक तेज चलाएगा या किसी तरीके से चलती बाइक पे वो करेगा क्या, फ़ोन अटेंड करेगा। और इवन एक और बात मैं बता दूँ, जो डिलीवरी बॉय हैं अपना फ़ोन उस पर लगाते हैं बाइक के हैंगर पे, होल्डर पे, लेकिन उसमें बार बार उनको वो फ़ोन भी निकालना पड़ता है, और उस फ़ोन को निकालने के चक्कर में शुरू में जो काम कर रहा है दो चार बार तो उसका फ़ोन भी गिरता है नीचे। और मान लो 10,000 का आपका फ़ोन है, मिनिमम 10,000 का फ़ोन है, तो दो चार बार गिरेगा तो फ़ोन भी टूटेगा, और हो सकता है पहली बार में भी टूट जाए, तो इसमें तो आप बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं मिला के इसमें कोई फ़ायदा वाला मेरे को सौदा नहीं लगा। अगर आप इसमें टाइम ख़राब करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि इसमें आप समय ख़राब करो। कोई ऐसा काम ढूंढो जिसमें एक भविष्य बन सके, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें कोई भविष्य नहीं है। आज किसी ना किसी नुक्स में ये बाहर कर देंगे, फिर और लोगों को ले लेंगे। इनके पास लड़कों की या किसी की कमी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है। तो दोस्तों अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो अपने ऊपर ना लेके छोटे बजट पे रिस्क लेना, जिसके कारण आपको निकलने में आसानी रहे। अगर आपने लोन करा लिया बैंक से, बाइक नहीं खरीद ली, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो ऐसा काम मत करना कि इनके साथ फंस जाओ फिर इनकी गुलामियाँ आपको करनी पड़े। तो ऐसा काम करना कि अगर हम निकल भी सकें, अगर हमें पसंद नहीं आता, हमें नहीं हम कर पाते, तो आसानी से निकल सकें। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, तो सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस तरीके की मैनू पोली बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां इस मार्केट में ला रही हैं और लोगों को परेशान कर रही हैं, पागल बना रही हैं। पहले पागल बनाती हैं, आओ आओ जुड़िए उसके पास, जाइए जाइए हमारा काम निकल गया। तो उसी तरीके से इनके साथ हैंडल कीजिए कि आपके पास भी पॉइंट है, आप भी समझदार हो, उसी तरीके से इनके साथ डील करिए। ज़्यादा इसमें अपना पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और रही कोशिश, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन स्विगी या पांडा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि जोमेटो वालों से और थोड़ा जोमेटो और
पांडा समथिंग, इनका भी एक बार ओवरव्यू लेके मैं आपको एक वीडियो बना के देता हूँ कि इनका क्या है सीन। ऑलमोस्ट सीन तो लगभग मेरे को लगता है बराबर सा ही है, लेकिन फ़ायदे वाला सौदा किस में हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकता, ये मैं इसमें देख के बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, आपको मैं अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। तो आप अवेयर रहो ऐसी कंपनियों से जिससे आपका कोई हानि ना हो और आपको कोई लॉस ना हो, क्योंकि पैसे बड़ी मेहनत से कमते हैं, पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते, और मेहनत भी बड़ी मेहनत से की जाती है। तो दोस्तों, ऐसी जगह मेहनत की जाए जहाँ पे आने वाले समय में आपको गेन हो, फ़ायदा हो। कुछ समय के लिए आपने इसमें मेहनत कर ली, उसके बाद कुछ गेन ही नहीं हुआ, तो सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सोच समझ के जुड़ना, ऐसे ही मत जुड़ जाना। सारा ओवरव्यू लेके अगर नहीं पसंद आता है तो जल्द से जल्द छोड़ देना। और जो लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जो कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं समझ आता तो जल्द से जल्द इस फॉर्मेट से निकल जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाला टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाए उसके बाद निकलें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम इज़ वैल्यूबल। तो दोस्तों, यही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो दोस्तों आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपसे अगर कोई भूल चुक हुई हो इस वीडियो में बनाने में बताने में तो उसके लिए दोस्तों मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।